हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जया। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद जया। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। आपको मेरे सब नोटिफिकेशन अपडेट्स होते रहेंगे। आज हम बनाएंगे इडली सांभर, जो सबका चहता है और मुंह में पानी आ जाता है। आज मैं आपको नाश्ते में जो हम खाया जाता है वो सांभर बताऊँगी, जो हम इडली के साथ, डोसा के साथ, उपमा के साथ और वड़ा के साथ भी ले सकते हैं। ये सांभर एकदम अलग है। हम जो चावल के साथ खाते हैं वैसा नहीं, वो अलग सांभर है। ये नाश्ते के साथ लिया जाता है। बहुत ही स्पेशल और टेस्टी है। आपको एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा लगेगा। चलो बनाते हैं। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले हमें तुअर दाल लेना है। मैंने एक छोटा ग्लास तुअर दाल लिया है और उसी ग्लास से मैंने आधा ग्लास मूंग दाल लिया है। ये दोनों दालों को हम कुकर में डालकर अच्छे से आप दो बार धो लीजिए। फिर उसमें यही ग्लास से तीन ग्लास पानी डालकर एक आधा चम्मच हल्दी डालकर तीन सीटी आए तक नरम उबाल लीजिए। सांभर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक छोटा पैन लिया है। उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डालकर सब दालों को हम इसमें थोड़ा फ्राई कर लेंगे। एक चम्मच चना दाल, एक चम्मच उड़द दाल, 1/4 स्पून मेथी दाना, एक चम्मच धनिया और एक आधा चम्मच काली मिर्च और एक आधा चम्मच जीरा डालकर धीमी आंच पर फ्लेवर आए तक इसे भून लीजिए। इसकी अच्छी खुशबू आना चाहिए। एकदम धीमी आंच पर भूनिए। अब हम इसमें 1/5-6 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़ा करी पत्ता। आप करी पत्ता थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा नारियल लिया है, देखिए इतना। आप छोटे टुकड़े कर हल्का इसे भी भून लीजिए। बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, नहीं तो ये स्वाद नहीं रहेगा। धीमी आंच पर ही करिए। देखिए ये भुन गया है। अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा कर इसका पेस्ट बना लेंगे। सांभर बनाने के लिए हमें अब इमली चाहिए। मैंने एक छोटा नींबू साइज इतना इमली लिया है। उसे आप पानी में भिगोकर रख दीजिए। अब हम जो सांभर मसाला बनाया है उसमें मैंने एक आधा चम्मच नमक डालकर थोड़ा पानी डालकर इसे एकदम महीन पीसना है। देखिए दाल एकदम से नरम पककर तैयार है। अब हम जो इमली भिगाए हैं उसका पानी निकालकर हम साइड में रख देंगे। मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून तेल डाला है। जब वो हल्का गर्म हो जाए तब उसमें 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच उड़द दाल डाला है। मैंने छोटे चम्मच से ही डाला है। इसे 1 मिनट तक आप फ्राई कर लीजिए और जब वो फ्राई हो जाए तब उसमें 2 सूखी लाल मिर्च और 4-5 लहसुन की कलियां इस तरह से क्रश कर डाल दीजिए और उसे 1/2 मिनट तक आप फ्राई कर लीजिए। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज कटे हुए पतले प्याज कट कर डाल देंगे और 1 छोटी कटोरी लौकी डाल रहे हैं और 1/2 कटोरी गाजर और थोड़ा सा करी पत्ता। आप करी पत्ता को इस तरह से थोड़ा ज़्यादा ही डालिए, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छी तरह से ये सब्जियों को हमें फ्राई करना है। सांभर में कोई भी आप 2 सब्जियों का इस्तेमाल करिए। सब्जियाँ डालने से सांभर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। प्याज को इस तरह से लंबे और पतले कट करिए और सब्जियों को एकदम बारीक बारीक कट कर डालिए। खाते समय हमें बहुत आसानी होगा और स्वाद भी बहुत अच्छा रहेगा। जब वो हल्का फ्राई हो जाए पूरी तरह से सब्जियां पक जाना चाहिए। इस तरह से हमें उसे फ्राई कर लेना है। देखिए हमारी सब्जियां
पक गए हैं। अब हम उसमें दो मीडियम साइज टमाटर एकदम बारीक कट कर कर डालना है और उसे हमें पका लेना है। सब सब्जियों को इस तरह से बारीक कट कर कर ही डालना है। अब मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है और एक चम्मच मिर्ची पाउडर और एक आधा चम्मच हींग। हींग से सांभर का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। इसे आप एक आधे मिनट तक फ्राई कर लीजिए। अभी हम ढक्कन लगाकर टमाटर को अच्छी तरह से पकने देंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए। अब हम इसे एक बार देख लेंगे। देखिए टमाटर अच्छी तरह से पक गए हैं। एक बार उसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब हम इसमें जो हमने सांभर मसाला पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे। धीमी आंच पर ही रखिए। देखिए हमारा सांभर मसाला पेस्ट इस तरह से रहना चाहिए। एकदम हमें महीन पीसना है, तभी उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। दरदरा बिल्कुल भी नहीं पीसना है। और हमें ये सांभर मसाला पेस्ट डालकर तुरंत ही उसमें इमली का पानी डालना है। इसे हमें पकाना नहीं है। देखिए इस तरह से आप इमली पानी डाल दीजिए और एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसमें हम और थोड़ा पानी डालकर देखिए इस तरह से आप 1 से 2 ग्लास पानी डालिए और इस तरह से पतला आप उसको रखिए। और उसमें हमने थोड़ा सा गुड़, 1 चम्मच इतना गुड़ आप डालकर 5 मिनट तक आप उसे अच्छी तरह से पका लीजिए। आप इसे ढक्कन लगाकर फुल फ्लेम पर पकने दीजिए। देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। अब हम एक बार ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। देखिए इमली के पानी में सब्जियां अच्छी तरह से पक गए हैं। बिल्कुल इस तरह से हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम जो हमने दाल उबाल कर रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। देखिए इमली का पानी हम दाल में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से आप दाल को और इमली के पानी को अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। हमें ये थोड़ा पतला चाहिए। इसमें मैंने 1 छोटा ग्लास इतना पानी डालकर इसे थोड़ा पतला बना लिया है। हमें एकदम गाढ़ा सांभर नहीं चाहिए। देखिए बिल्कुल इस तरह से कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। इसे आप हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक उबलने दीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरह से कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। हमारा सांभर बनकर तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और इसे बस 1 मिनट तक उबाल लेंगे। बहुत ही खुशबूदार सांभर बनकर तैयार है। देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और इडली के साथ मैं आपको सर्व कर दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी है और एकदम सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। देखिए हमारा इडली सांभर बनकर तैयार है। सांभर हमारा इसी तरह से हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने में भी बहुत सरल है। पूरे घर में सांभर की महक फैल रही है। सबको बहुत पसंद आएगा, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही पसंद आएगा। देखिए इस तरह से आप इडली और सांभर को सर्व करिए। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और आपकी बहुत तारीफ होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।